चलिए फटाफट आ जाइए, आप लोग कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, माइनस वन रखा, अब ये आ जाएगा माइनस टू, क्योंकि ये तो, और ये प्लस नाइन, और ये टेन, और ये थ्री, तो ये टोटल जीरो कर देगा सीधा सीधा। ये भी जीरो आपको कर दिया, जीरो कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, सभी लोग आ गए। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। तो यहां से एक बात तो पता चल गई कि x प्लस वन, ये डाउट नहीं ना आपको है, क्योंकि ये x माइनस वन, x इक्वल टू माइनस वन है, तो ये इधर जाके x प्लस वन एक फैक्टर हो रहा है, x प्लस वन इज अ। अब यहां से हमको डिवाइड करना है इसको, टू एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वेयर प्लस टेन एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वन से डिवाइड कर दो। विशाल, विशाल एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे, वेल वेल डन, वेल डन बच्चे। बाकी बच्चे बताइए आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहां से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूं आपको, ठीक है ना, अब रहने दीजिए बच्चे। देखिए बच्चे, एक्स इक्वल टू वन रखा, वन रखने पर तो जीरो कभी होगा नहीं, क्योंकि ये क्यों क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव टर्म है। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, x इक्वल टू माइनस वन रखा, तो हमें मिल गया जीरो, इसका मतलब x प्लस वन एक फैक्टर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये टू एक्स स्क्वायर आया, ये अब देखते जाइए डिवीजन, टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये कैंसिल, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस थ्री। अब ये आ गया, ये इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये सेवन एक्स, तो ये हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर और प्लस सेवन एक्स। अब ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस थ्री। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा थ्री, तो ये थ्री एक्स प्लस थ्री आंसर आ जाएगा जीरो, सब कैंसिल हो जाएगा। मरिया बच्चे ठीक है, आपका आंसर सही है, एब्सोल्युटली सही, राइट, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग बच्चे आंसर करो, सभी बच्चे आंसर ट्राई करिए, ठीक है ना। अब दिस इनटू दिस हो जाएगा, एक्स प्लस वन। एक आपसे और रिक्वेस्ट था, किसी दिन क्लास मत अब्सेंट होइए, अगर गलती से मान लीजिए अब्सेंट भी हो जाते हैं तो अगर वीडियो जरूर देख लीजिए बच्चे, लेकिन क्लासेस थोड़ा कम से कम अब्सेंट रहेंगे तो आपके लिए फायदा होगा बच्चे। अब ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री। अब ये एक्स प्लस वन, सेम मेथड बार बार हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री, ठीक है, ये है फाइनल आंसर। चलो प्रांजल बच्चे आपका थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है ना, चेक कर लीजिए, करेक्शन करते रहिए बच्चे, समझते रहिए। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दे दिया, ठीक है ना, देखते रहिए, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछिए बच्चों कि सर मुझे अभी ये थोड़ा सा डाउट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको थ्रू आउट टू ईयर आपको हर जगह मिलेगा, इवन आप इंजीनियरिंग जाओगे ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां पे भी आपको ये सब चीजें मिलेगा बच्चे। फैक्टराइजेशन तो एक बहुत कॉमन टॉपिक है ना बच्चे, जो हर जगह यूज टू होता है, आदमी हर जगह आपको बच्चे को मिलता रहता है, कहीं भी कुछ भी समस्या आए कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, ये गलत हो गया था अभी सही है ना, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। मनीष, प्लस माइनस का गड़बड़ी किया आपने, 2x माइनस 1 के जगह 2x प्लस 1 होगा बच्चे, ठीक है ना।
बच्चे मेरी एक ही मोटो होता है, मैं जब स्टूडेंट था तो तब से मैं सोचता था कि जब मैं कुछ इसी फील्ड में जाना है और अच्छा करूंगा, मैं तो हमेशा सोचता हूँ ना लेट्स मूव टुगेदर। हर बच्चे को आना चाहिए सब्जेक्ट, हर बच्चे का एम है, हर की सभी के पेरेंट्स ने सोचा है, बच्चे ने सोचा है कि हमें ये लाइफ में पाना है, तो मेहनत करना है अभी सभी को। मैं आपका हेल्प करूंगा कहीं ना कहीं जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आएगा। चलो कोई बात नहीं मनीष, अभी दिक्कत नहीं है ना। और बाकी सौरभ वगैरह आपका आंसर आ रहा है बच्चे? अपूर्व, दीक्षा बच्चे, हर्षल, जयस आंसर नहीं दिया आपने, दीजिए बच्चे, ट्राई करिए। उदय, आप ट्राई करते रहिए बच्चे, और जहां पे भी डाउट आए बिना हेजिटेशन पूछिए आप, ठीक है ना, बिना आप तुरंत पूछिए कि हाँ आ रहा है नहीं आ रहा है, तुरंत पूछिए कि सर मुझे नहीं आ रहा है, मैं आप पूछिए मैं बताऊंगा, मेरा काम ही वो बच्चे है बताना आपको, ठीक है ना। मेरा एक ही स्लोगन है, एनीथिंग फॉर द स्टूडेंट, कुछ भी स्टूडेंट्स के लिए, दैट्स इट, ठीक है ना। चल बस आपसे एक ही हेल्प है, आप मुझसे पूछते रहिए, बस आपको कहीं भी डाउट है आप मुझसे पूछते रहिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे, मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी कौन सा क्वेश्चन नंबर, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ में। अभी काम करो, फिफ्थ और सिक्स आप घर पे करोगे, हम आगे बढ़ जाते हैं। करेंगे आप लोग होमवर्क, ठीक है ना, आप मुझे मैसेज करिएगा, चेक कराइएगा, ठीक है ना बच्चे, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा या मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, फिफ्थ और सिक्स नंबर, ठीक है ना। मैं आपका मैसेज देखना चाहूंगा, ठीक है ना, आपके आंसर एक्चुअल में। आप एक काम करना, क्वेश्चन लिख के इस पे कॉपी पे और उसका फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, ठीक है ना बच्चे। आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी बहुत, अभी इस टाइप के क्वेश्चन काफी हो गए, चार क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, दो क्वेश्चन आप कर लीजिए। अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप देखिए बच्चे, ये फॉर्मूला नाइन्थ में भी पढ़ाया जाता है, ये आपने बड़ा फेमिलियर होंगे ये फॉर्मूला को देख के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, आइडेंटिटी है, और ये भी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया पहली, और दूसरा x plus y plus z का होल स्क्वायर होता है x square y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx, ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटी आपको लर्न रखनी है बच्चों। चलो पहला क्वेश्चन एक्सपैंड करना है उसको, पहला क्वेश्चन को क्या करना है, एक्सपैंड करना है बाई यूजिंग द आइडेंटिटी। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है, फर्स्ट वाली या सेकेंड वाली, ट्राई करिए कौन सा यूज करके आप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाली का सॉल्व करेंगे कि सेकंड वाली सॉल्व करेंगे, सेकंड वाली, वेल सेड बच्चे, वेल सेड। चलो सर्वेश, सौरभ ने बोला ना, गुड मनीष, गुड, ट्राई करिए बच्चों, सभी लोग सॉल्व करिए, सिंपल सा है ये, प्लस बी बी प्लस फोर सी, यहां से एक्सपैंड कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब टू ए का होल स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर प्लस 4c square plus 2 times 2 times of a into 3b। देख रहे हैं बच्चे आप, चलिए आप लोग खुद आंसर निकालिए, मैं सोल्यूशन बना देता हूं फिर उसके बाद चेक कर लेंगे, ठीक है ना। 2 into 3b into 4c plus 2 into 4c into 2a, ठीक है। अब ये आंसर क्या दे देगा, सीधा सीधा 4a square plus 9b square plus 16c square plus 2 to the 4 well ab plus 24 BC plus 16. कितने लोग का आंसर ये आया, कितने लोग का आंसर, जयस आपका सही आया, और कितने लोग का आंसर आया फटाफट बता दीजिए बच्चे। कुछ भी नहीं करना था बच्चे, सेकेंड वाली आइडेंटिटी यूज करनी थी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए
जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, टाइप करने में दिक्कत होगा मनीष, कोई बात नहीं है, इसीलिए मैं आपको आंसर नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा पावर वावर है, लिखने में दिक्कत होगा ना, कोई बात नहीं बच्चे। अभी आप देख के आंसर बोल दीजिए कि आप सबका सही है कि नहीं, बस। चलो बहुत अच्छी बात आ गया, तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट करिए, राइट है विशाल, गुड अदिति, गुड जयस का पहले आ गया था, उदय आपका आंसर आ रहा है क्या बच्चे? उदय कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ बच्चे, उदय है, विशाल का आंसर आ ही गया, सभी रोहित, सभी सभी बच्चे पढ़ेंगे, सीधी सी बात है, कुछ भी आपको आपको डाउट आए मुझसे पूछिए बच्चे, ठीक है ना, अपन आराम से कोई टेंशन लिए बिना सेकंड पार्ट का सॉल्व करते, सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट सॉल्व करिए, सेकेंड पार्ट अब जो है वो क्या है देखिए, ए क्यूब माइनस एट बी क्यूब प्लस 64 सी क्यूब प्लस 24 ए बी सी। ध्यान से देखिएगा बच्चे, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, रहने दीजिए मैं खुद एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन करता हूं बच्चे। देखो ये देखिए, जैसे हमें ये आइडेंटिटी दिखी, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है ना, और ये भी उसी फॉर्म में है, किसी नंबर का क्यूब किसी नंबर का क्यूब किसी नंबर का क्यूब प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस होना चाहिए, फॉर्मूले में प्लस दे, फॉर्मूले में माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस दे रखा, तो इसको थोड़ा रीमॉडिफाई करते, थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं बच्चे, ठीक है ना। देखिए कैसे, ये ए क्यूब को लिखेंगे ए का होल क्यूब प्लस माइनस टू बी का होल क्यूब, क्योंकि देखो ना माइनस टू बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस टू बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस एट क्यूब, माइनस एट बी क्यूब ना, माइनस टू बी का होल क्यूब माइनस टू का क्यूब माइनस एट और ये बी क्यूब, और प्लस ये फोर सी का होल क्यूब। अब ऊपर वाले आइडेंटिटी से देखिए, एक्स क्यूब y क्यूब और z क्यूब है, माइनस थ्री इंटू ए, ए क्या है यहाँ पे a, b वाला टर्म क्या है माइनस टू बी और c वाला टर्म क्या है 4c। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस और ये थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स ट्वेंटी फोर और ए बी सी, मतलब दिस मच वी कैन राइट दिस मच एंड दिस ऑल थिंग वी कैन राइट लाइक दिस, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हम इस चीज को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये ए क्यूब, अब ये वाला आइडेंटिटी के फॉर्म में हो गया, पहले वाले आइडेंटिटी के फॉर्म में हो गया, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब यहाँ पे ए माइनस टू बी प्लस फोर सी और दूसरे ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब फोर सी का स्क्वायर हो गया ना, और माइनस ए इंटू बी मतलब ए इंटू टू बी प्लस माइनस टू बी इंटू फोर सी और माइनस लास्ट में ए इंटू फोर सी, ठीक है ना। अभी आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा मेरे से, ए या प्लस होता तो, लेकिन प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट मैंने लिख दिया, अब ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस 16 सी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 ए बी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे, ए बी सी और ये माइनस 4 ए सी। कितने लोग का ये आंसर आया है, कितने बच्चों का ये आंसर आया है, एब्सोल्युटली दिस आंसर, कितने बच्चों का, हाँ रिपीट कर दूंगा, एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना, कितने बच्चों का आंसर आया वैसे आप मुझे बता दो, चलिए रिप्लाई में आप बताइए। देखिए बच्चे
देखिए बच्चे करना क्वेश्चन कैसे था, देखो यहां पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस साइन की गलतियां हो सकता है, ठीक है ना। देखिए बच्चे पहले हमें ये क्वेश्चन था और ये आइडेंटिटी हमें रिलेवेंट पता थी, तो हम इस क्वेश्चन को पहले इस लेफ्ट साइड के फॉर्म में ब्रेक किया, ठीक है ना। ठीक है चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज देखो, ये जो है ये किसी नंबर का क्यूब है, तो ए का क्यूब, और ये यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन नेगेटिव है, तो हमने पॉजिटिव ब्रैकेट में लेके चले गए 2b का होल क्यूब, मतलब थोड़ा सा अब यहाँ 4c का होल क्यूब, फिर माइनस 3ab, 3 into a into b into c ये लिख दिया, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे आया, मतलब ये फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन के इक्वल हो गया। फिर उसके बाद हम सीधा सीधा आइडेंटिटी यूज कर दिए, a प्लस बी, एक्चुअल में प्लस था a प्लस माइनस 2b, लेकिन वो डायरेक्ट क्या हो गया a माइनस 2b, a माइनस 2b प्लस 4c, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है। तो उसके बाद ये आप ओपन कर दिया, ए स्क्वायर 4bc स्क्वायर, ये 16c स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ये माइनस और ये माइनस प्रोडक्ट करते समय प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब समझ में आया, तो ये फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, ये फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत अभी भी, किसी बच्चे को सेकंड क्वेश्चन में दिक्कत है वो मुझसे पूछ ले, क्योंकि बच्चे जब तक आपको समझ नहीं आएगा 100% सभी बच्चों को, तो फिर तब तक मैं बताता रहूंगा आपको, ठीक है ना। बताइए किसी को डाउट है, नहीं है, यस या नो में रिप्लाई कर दीजिए। चलिए अगला बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चे, थर्ड ट्राई करिए सभी लोग। थर्ड नंबर ट्राई करिए सभी लोग। वाला तो ही गया सेकंड नंबर, ठीक है ना, थर्ड नंबर ट्राई करिए। चलिए देखिए बच्चे, थर्ड नंबर सभी लोग ट्राई करिए। उसने बोला क्या है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 दे रखा है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या दे रखा है, 26 दे रखा है। ध्यान से समझिए एक बार, ठीक है ना। और जो ट्राई कर रहे हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, वो सॉल्व करते रहिए, और जिसको डाउट है या कुछ आपको दिक्कत हो रही है तो वो समझिए। अब आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू चाहिए, तो ये सीधा सीधा पहले इसकी आइडेंटिटी लगा दीजिए जो हमने पिछले पेज में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी जैसे ही लगाया बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 9, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू कितने है आपको पता है, 26, मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू अगर पता चल जाए तो आपका काम बन जाए, समझ में आया ना, क्योंकि बाकी तो अननोन है। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, अब इसकी वैल्यू पता करने के लिए हमने क्या किया, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी का तो सहारा ले लेंगे, उसी का तो हेल्प लेंगे। ये देखिए बाजू में इसको समझाता हूँ, भाई आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखा है, मतलब जो गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, इसको हम स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए बच्चे, क्योंकि स्क्वायर करोगे तभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी में होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू अभी बताया था 81। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है कितना है 26। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ 26 इक्वल टू 81। तब यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताइए 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 बताइए। तो यहां से मिल जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मिल जाएगा 81 और ये मिल जाएगा 52, ठीक है ना 26। अब ये आ जाएगा 29, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 29। अब ये 29 आ गया। अब आगे देखिए, ये मेथड्स आपको इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू 29 आप रख दो, 29 माइनस 26, अब ये 9 इंटू 3, 29 माइनस 26, अब आंसर कितना हो गया, आंसर क्या हो गया 27। कितने बच्चों का आ गया था पहले से आंसर मेरी से पहले, मतलब अभी एक्सप्लेनेशन देखने के पहले खुद का आपका पर्सनल आ गया था कितने बच्चों का, एक मनीष का 27 आया था और किसी का आंसर आया था क्या। ये बातों को समझिए बच्चे, देखो एप्लीकेशन है, फॉर्मूले का एप्लीकेशन होता है मैथमेटिक्स बच्चे, ठीक है ना। ये चीजों को समझिए कि ऐसा आपने क्यों किया। आपको गिवन क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, और आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन था। आपको पूछा क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस सी ए बी सी। इसको मैंने फॉर्मूले में एक्सपैंड कर दिया, ये हमको पता होता है। अब यहाँ पे हमने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 आ गया। अब यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ये वैल्यू कॉमन ले लिया माइनस, इसकी वैल्यू 26 हो गया। मतलब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत हमको पड़ेगी। अब उसको पता करने के लिए जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी के दोनों के हेल्प से कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे ये पता चला कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है तो जब स्क्वायर करेंगे तभी वहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, मतलब हमने आइडेंटिटी लगा दी। और उसके बाद हमने ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमको 26 पता है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 29 मिल गया। अब यहाँ से 29 मिल गया तो इसमें रख दीजिए तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। किसी बच्चे को समस्या है क्या, किसी बच्चे को समस्या है क्या बताइए, किसी बच्चे को समस्या है सर। क्लियर हो गया रोहित, अदिति क्लियर हो गया बच्चे, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, सौरभ गुड बच्चे, सभी को क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे। अभी थोड़ा सा सर समझा रहे हैं तो कोई दिक्कत है तो पूछ लिया करो बच्चे। अपूर्व आपको क्लियर, विशाल सभी बच्चे, मनीष सभी बच्चे, चलो दीपाली क्लियर हुआ, दीक्षा क्लियर हुआ बच्चे, कैसे यूज करा गया है क्वेश्चन में, दीक्षा बच्चे समझ में आया ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई भी बच्चा हो तो मुझे एक बार आप बताओ, मैसेज कर दो, मैं तुरंत आपको दोबारा समझाऊंगा बच्चे, ठीक है ना। बस एक बार ट्राई जरूर करते रहिए, चलो ओके बच्चे। क्योंकि बच्चे सिंपल सी बात है, आपको सीखना है और आपको आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा और आपको मैं हेल्प करूंगा ना, आपको हेल्प करूंगा मैं बस आपके आपको जैसा आपको डाउट आएगा तो मैं आपको अगेन एंड अगेन पूछूंगा, पूछेंगे तो आप मुझे बताऊंगा। मैं कभी नहीं मना करूंगा आपको कि नहीं है, मैं तो अरे एक चीज बार बार कहूंगा आपको बताऊंगा, ऐसा कभी नहीं कहूंगा मैं थ्रू आउट टू ईयर। कोई भी टॉपिक हो आप पूछते रहिए, एक बार पूछ के तो देखिए, चलो एक बार आप पूछ के तो देखिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो इसके पहले वाली आइडेंटिटी थी ना उस पर एक कॉन्सेप्ट है बच्चे, देखो समझो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा का पोर्शन, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा थ्रू आउट टू ईयर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन में, ठीक है ना बच्चों। और ये बेसिक्स भी है तो कहीं ना कहीं आपका पढ़ा भी होगा, बस ये आपको रिकॉल करना है बच्चों।
ठीक है ना। अब यहां पे मैं अगर एक काम करूं, इफ देखिए बच्चे, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर हो जाए, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब दिस लेफ्ट राइट साइड में ये टर्म जीरो हो जाए, तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या होता है, जीरो। इसका मतलब सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो मतलब ये राइट साइड पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री ए बी सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब अगर वो ए और बी और सी इन तीनों टर्म का सम अगर जीरो है, तो उन तीनों के क्यूब का सम जो होगा उन तीनों के प्रोडक्ट का थ्री टाइम्स होगा, मतलब थ्री टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ब्रैकेट में इक्वल टू में इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दे रखा है। अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या होता है, जीरो। जीरो हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, ये वाला टर्म इक्वेशन वन बिकम ए लाइक दिस जीरो, ये इधर चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यही चीज ऊपर वाले में लगेगा, कौन आंसर बता रहा है इस क्वेश्चन का, यही कॉन्सेप्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में लगेगा, क्योंकि बच्चे जो को जो अगर इसको एक सेकेंड खातिर आप ए लेते हो, अगर एक सेकेंड ये बी सोचते हो सी सोचते हो, तो इन तीनों का सम क्या है, पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू जीरो नहीं, ये बताना है आपको जीरो के इक्वल, हाँ जीरो के इक्वल ही हो जाएगा। देखो कैसे क्यू क्यू से कट जाएगा, आर आर से कट जाएगा और पी पी से कट जाएगा, मतलब अब ए प्लस बी प्लस सी का टर्म का सम क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब जो ये आंसर क्वेश्चन है वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, थ्री टाइम्स ऑफ ए बी, ए भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ ए बी सी, पी माइनस क्यू q माइनस आर और आर माइनस, दैट्स आंसर। समझ में आया, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर जो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये तीनों टर्म का क्यूब दे रखा है, अगर इन तीनों का सम जीरो है तो ये किसके इक्वल है, थ्री टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल का प्रोडक्ट, ठीक है ना, p माइनस q, q माइनस आर और r माइनस q, ठीक है ना बच्चों। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं सभी बच्चों को, समझ में आया कि नहीं, आप प्लीज यस या नो में रिप्लाई करते रहो बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपसे बात तो कर नहीं पाता हूं माइक पे, तो आपको मैसेज में रिप्लाई करते रहो बच्चों, थैंक यू बच्चे। अच्छा फिर से रोहित रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना। देखो रोहित ये कॉन्सेप्ट पहले देख लो, वो क्वेश्चन छोड़ो बच्चे, ये कॉन्सेप्ट देखो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये तो आपको आइडेंटिटी होती है, ये हम पिछले 10-15 मिनट से देख रहे हैं, आया ना। हाँ अब बच्चे मैंने इंटेंशनली कह रहा, इफ यदि ए प्लस बी प्लस सी मतलब इनका सम जो ये राइट साइड में ये वाला टर्म है, अगर ये जीरो हो जाए तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या होता है, जीरो। इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी हो जाएगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला, ये वाला पूरा आइडेंटिटी, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन में अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने ये बोला कि अब जो ये क्वेश्चन है, अब कंसेप्ट खत्म, अब क्वेश्चन में देखो ये पहला टर्म था, इसको हमने एक सेकेंड खातिर ए समझा, ये बी है और ये सी है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब टाइप दे रखा है, तो आप देखो क्या इन तीनों का सम जीरो हो रहा है, तो p माइनस क्यू क्यू माइनस आर और r माइनस का सम जीरो हो रहा है, हाँ जी हाँ हो रहा है। इसका मतलब जैसे इन तीनों का सम जीरो हो गया, a प्लस बी प्लस सी का टर्म जीरो हो गया, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, a b c के इक्वल, और ये क्या है यहाँ पे p माइनस क्यू क्यू माइनस आर, ठीक है। तो यह है क्वेश्चन नंबर फोर, बताइए मनीष क्लियर हुआ, रोहित अब क्लियर हुआ, मनीष बच्चे अब क्लियर हुआ, अच्छा
और ऊपर को उसका डाउट था। रोहित बच्चे आपका क्लियर हुआ? जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे करियर की बात है, आपके करियर की बात है, और आपका करियर मतलब मेरा करियर, आपका करियर से मेरा करियर, मतलब हम समझ रहे हो, वी आर यूनिट, हम मतलब एक फैमिली की तरह काम करना है, टीम की तरह काम करना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। हम भी बोलेंगे कि हाँ देखो, रोहित का सिलेक्शन हो गया, सौरभ का सिलेक्शन हो गया, विशाल का सिलेक्शन हो गया, मनीष का हो गया, अदिति बच्चे का हो गया, सर्वेश सभी बच्चे का, मैं सभी का, ठीक है ना। अब कहोगे सर बाकी का एक दो लोग का आप नाम नहीं ले रहे हो, सबका नाम ले रहा हूँ बच्चे, ठीक है ना। सभी बच्चे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बस आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है और हमेशा रहेगा, डाउट आस्क, डोंट बी फील शाय एनी मोर, ठीक है ना। चलो ये तो बड़ा सिंपल है, फिफ्थ का आप तो आंसर खुद कर दोगे आप, ठीक है ना। चलो करो, फिफ्थ नंबर आंसर आप खुद कर दोगे, बताइए 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 बताइए। अच्छा मैं एक्सप्लेन कर, मैं सोल्यूशन बना देता हूं, क्योंकि आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत होगी ना, ऐसा टाइप करने में दिक्कत होगी। देखो बच्चे ये 27, चलो पहले आपको थोड़ा समय दे देता हूं, 1 मिनट का, 1 मिनट से कम थोड़ा समय दे देता हूं, ठीक है। और मैसेज करते जाइए कि सर आई हैव डन इट, डन डन मैसेज करते जाइए, आपका जितने लोग का डन हो गया। आप आंसर मुझे मत करिए क्या आंसर है, आंसर तो मुझसे वेरीफाई कर लीजिए आप, बस आप ये बोलिए कि डन हो गया सर। सेम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का फॉर्मूला है, आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स भी देखते रहिए बच्चे, अगर कुछ भी दिक्कत आपको रिविजन के लिए आएगा, ठीक है ना, आपको वीडियो भी बना के दिया जाता है, मतलब बंसल में हर फैसिलिटी है, बस उसको पढ़ते रहिए ध्यान से, ठीक है ना। और बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कोई और भी बच्चे, जैसे मान लीजिए आपके जानने में कोई आपके फ्रेंड्स भी हो, उनको भी आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, हम उसको चीजें ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो आपको अगर लगे कोई फ्रेंड्स आपके हैं आपके ग्रुप में आपकी क्लास में, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो वीडियो कि नहीं ये देखो बेसिक मैथ्स है हमारे सर का, तो आप एक बार वो भी गो थ्रू हो सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो वीडियो लेक्चर्स को, और एक चीज आप कन्वे कर सकते हो उनको, बेसिक मैथमेटिक्स। और किसी का डन हुआ? ये देखो ये 3A का होल क्यूब हो जाएगा, विशाल गुड, मैसेज करिए बच्चे आप, ठीक है ना। बी क्यूब into 3 into 3A into B into C, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया मैंने, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, 2 3A का होल क्यूब, 3A का होल क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब, -3 into A into B into C, बहुत सिंपल सी बात है। अब इसको क्या करेंगे, A plus B मतलब 3A plus B plus C, A square मतलब 3A का स्क्वायर प्लस B square प्लस सी स्क्वायर माइनस AB 3A into B माइनस BC माइनस CA 3A into C। तो ये क्या हुआ, अब आंसर वेरीफाई कर लीजिए आप लोग, फिर 9A square plus B square plus C square minus 3AB minus BC minus 3AC, ठीक है। कितने लोग का इडिट्टो आंसर आया है? एब्सोल्युटली राइट आंसर है, ऐसा ही। कितने बच्चों का राइट आया है? गुड 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 गुड, सभी 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 सभी, बहुत अच्छी बात है, बहुत। रिपीट कर दू बच्चे, देखो ना अपूर्व, सिंपल सी बात है बच्चे, ये देखो 27A³ 3A का होल क्यूब, B का होल क्यूब ये हो जाएगा B³ मतलब B का होल क्यूब, C का होल क्यूब, और माइनस 3 into A 3A into B into B, मतलब मैं इनको ना इस वाले टर्म को कन्वर्ट कर रहा हूं आइडेंटिटी के फॉर्म में, और वो आइडेंटिटी कौन सा है, A³ + B³ + C³ - 3ABC। तो यहाँ पे A + B + C आ गया, A² B² C² -AB - BC और -CA, ठीक है ना। इस फॉर्म में मैं उसको बना लिया, ठीक है ना, और उसके बाद तोड़ दिया, 9A² B² C² 3ABC, ठीक है। किसको डाउट था, आप पूरा, आप समझ में आ गया बच्चे?
अब पूरा आपको अब समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो थैंक यू बच्चे, बाकी को भी कुछ भी डाउट आए तो पूछते रहो, रिप्लाई करते रहो मैसेज में, एकदम बिना बिंदास होकर पढ़ाई करना है, मैं पहले भी बोलता हूँ बच्चे, ठीक है ना, सीखना है सिर्फ और अपने एम को पूरा करना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ भी, अभी तो ये बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, अभी कुछ दिनों में आपकी जैसे अभी 11th की क्लास के टॉपिक स्टार्ट करूंगा तब भी आपको समझ में आएगा यही चीजें, इसी तरह से समझ में आएगा चीजें, बस आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते रहेंगे, समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा बच्चे, ठीक है ना, और वीडियोस भी देखते रहिए, बेसिक्स को रिवाइज कर लीजिए, मैंने आपसे बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी ये नोट्स में वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऑफ कॉन्सेप्ट्स और हैं, ये बात समझ में आया, पांचवा नंबर, ठीक है, चलो तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी मैं कल बताऊंगा, अभी समय कम है, बुक्स बता दिया जाएगा बच्चे, बुक्स वो भी जल्दी, अभी बच्चे एक बेसिक्स खत्म हो जाए ना, तो जैसे अभी जैसे देखो आज दो तीन लेक्चर हुआ, थर्ड लेक्चर है मैथ्स का, तो इसे पहला लेक्चर तो बहुत ज्यादा हुआ नहीं था, तो दो ही लेक्चर्स हुआ, अभी चार पांच तीन चार लेक्चर्स में मैं ये खत्म कर दूंगा बेसिक्स, तो जब 11th का कोर्स शुरू हो जाएगा, टॉपिक अपना ले लेंगे, तो बुक्स भी मिल जाएगी, आप परेशान मत होइए बुक्स वगैरह की, मटेरियल की कुछ भी, हमारे एंड से आप कुछ भी मैं टेंशन लीजिए नहीं, बाई क्वाड्रेटिक भी, हाँ बाई क्वाड्रेटिक ही हो गया ना जयस, बाई क्वाड्रेटिक ही हो गया ना ये वाला कॉन्सेप्ट, चार फैक्टर से, ये कल मैं इसको ट्रिक्स बताऊंगा, और ये तो IIT में एडवांस में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, है तो बेसिक्स लेकिन एडवांस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैं कल डिस्कस करूंगा, और बाकी कुछ भी और कुछ आपको डाउट कुछ भी आपको लगे, क्लासेस आज का आप टकाटक आपको बराबर सब समझ में आया 100% बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत बच्चों, आज जो भी पढ़ाया जो भी अपन डिस्कस किया कुछ भी, किसी को कोई दिक्कत 1% का भी कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या, थर्ड वाला कौन सा चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है ना, थर्ड वाला मैं नहीं समझा जयस क्या, बट आप बाद में पूछ लीजिएगा जयस, कोई इशू, ठीक है, चलो ये सब चीजें है बच्चे, मेहनत से पढ़िए, बहुत पता है बच्चों मैं एक ही चाहता हूं कि आप बहुत मेहनत से पढ़ो, और आप जितना मेहनत से पढ़ोगे उतना मैं मेहनत आपके लिए करूंगा, तो बहुत मजा आएगा और पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना, कि क्लासेस अभी आपको देखो ना, अभी आपके 1.5 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले, आपको पता चला इतना जल्दी लेक्चर्स खत्म हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ाई करेंगे ना, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा, और आपके कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, आपकी कोर्स खत्म हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जैस कुछ भी नहीं था, a+b+c 9 दे रखा था, और ये वैल्यू दे रखी थी, इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो पहले इसका फॉर्मूला तोड़ दिया, मतलब आइडेंटिटी ओपन कर दिया, जो इन्फॉर्मेशन गिवन था वो पुट कर दिया, तो यहाँ a² + b² + c² की वैल्यू नहीं पता थी, और इसको पता करने के लिए जो ये a+b+c है उसको स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, और उसको स्क्वायर करने के बाद ab और bc और ca की वैल्यू जो पता थी रख दिया, वहां से a² b² c² की वैल्यू मिल गई, और इसमें रख दिया, ठीक है ना, सिंपल सी बात है बच्चे, एक बार आप ट्राई करना घर पे बच्चे, नोट्स आपको भेजूंगा ही, उसके बाद भी आपको डाउट लगेगा तो मोस्ट वेलकम, ठीक है ना, और कुछ दिक्कत और कुछ बातें, ठीक है ना, कितने लोग का मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, कितने लोग का मैथ्स, सबका फेवरेट होगा लेकिन कितने लोग का बहुत फेवरेट है, अच्छा लगता है इसको, कितने लोग का लगता है, चलो जयस बहुत अच्छी बात, सबको अच्छा लगना चाहिए बच्चे, इंजीनियरिंग करनी है मैथ्स अच्छा होना चाहिए, अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है ना, चलो और बाकी किसी को नहीं अच्छा लगता है, ठीक है ना विशाल, अच्छा है, मैं गुड, आप अच्छे, कोई भी बच्चा मैं अच्छा करूंगा ना, ये मेरी गारंटी आपको, मैं आपको बेसिक से क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि आपके फाउंडेशन आपको दिक्कत ना करे आपके 11th की और 12th की प्रिपरेशन में, ठीक है ना, बस आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आप रिवाइज करो, डिस्कशन करो, और जो भी डाउट आएगा मुझसे पूछो, और आपके मैथ्स अच्छी हो जाएगी, और बहुत आपको अभी देखिएगा कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कितनी आसान मैथ्स है, कितना इंटरेस्टिंग